मैम रिंकू मेहता, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल रिंकू क्लासेस बिहाफ ऑफ एनपीएस नियावली में। आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली केजी एंड फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मेरे टॉपिक लिया है बेसिक नॉलेज का हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि करेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी राइटिंग। ये मेरा आज का टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को किस तरीके से इंग्लिश की राइटिंग अच्छे तरीके से करेक्ट मेथड में लिखना सिखा सकते हैं और हिंदी में वर्णमाला अक्षरमाला जो हमारी होती है उनकी पहचान, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, उनको किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में, पहले हिंदी में जानकारी प्राप्त करेंगे इसके सारे अक्षरमाला की, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश में। हिंदी में जो हमारे जितने भी अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्षरमाला या वर्णमाला। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को सीधा ही लिखना या समझाना शुरू कर देते हैं, जैसे ए अनार, आ आम, क कबूतर, ख खरगोश, इस तरीके से। उनको पता ही नहीं होता कि ये कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं अगर उनसे पूछा जाए तो। इस तरीके से नहीं, हम पहले बच्चों को स्वर की पहचान करवाते हैं, उनको बताते हैं कि स्वर कितने होते हैं, फिर हम व्यंजन के बारे में बताते हैं। तो इसमें देखेंगे हम जैसे अक्षरमाला, टोटल हमारे अक्षर होते हैं अक्षर या वर्ण 46 यानी कि 46, जिनमें से स्वर होते हैं हमारे 13 और व्यंजन 33। टोटल हमारे अक्षर या वर्ण कितने हो गए हिंदी में 46। स्वर अ से लेकर अह तक होते हैं हमारे स्वर। ये देखेंगे हम अब जैसे अ अनार, अ आ, इ, इ, उ, उ, रि, ए, ए, ओ, ओ, अंक, और अह। और व्यंजन होते हैं हमारे 33 क से लेके ह तक। अब हम देखेंगे स्वर की मात्राएं और स्वर को, स्वरों की मात्राओं को और स्वरों को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। जैसे स्वर अ, अ को हम इंग्लिश में लिखते हैं इस तरीके से ए, और अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ को हम हमेशा व्यंजन के साथ जोड़कर बोलते हैं। जैसे हमने व्यंजन कोई भी ले लिया, क ख ग, इसमें अ की आवाज आ रही है कै के साथ, खै के साथ, तो अ के बिना हर एक व्यंजन अधूरा होता है। तो हर एक व्यंजन में अ की आवाज आती रहती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ को हम लिखते हैं ए। अब हम लिखते हैं आ, आ को लिखते हैं हम इस तरीके से इंग्लिश में डबल ए, और आ की मात्रा होती है ये है आ की मात्रा की पहचान, और आ को हम लिखते हैं इस तरीके से डबल ए। ई, ये है हमारी छोटी ई की मात्रा, और ई को हम लिखते हैं इंग्लिश में आई। अब ई, ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा, और इसको हम लिखते हैं इस तरीके से डबल ई इंग्लिश में। ऊ, ऊ की मात्रा होती है ये, और इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में यू। अब है हमारा बड़ा ऊ, इसकी मात्रा होती है ये, बड़े ऊ की मात्रा की पहचान, ये है हमारी बड़े ऊ की मात्रा, और इसको हम लिखते हैं यू। ओ को लिखते हैं हम डबल ओ। री, री की मात्रा होती है इस तरीके से या इस तरीके से, और री को हम लिखते हैं आर आई या आर ए, इस तरीके से। अब है हमारा ए, ए की मात्रा होती है ये व्यंजन के ऊपर लगती है, और ए को हम लिखते हैं इंग्लिश में ई। अब है हमारा बड़ा एफ, इसकी मात्रा होती है ये, व्यंजन के ऊपर दो बार घुमावदार, और इसको हम लिखते हैं ए आई, इस तरीके से। ये है हमारा ओ, ओ की मात्रा होती है ये वाली, ये लगती है व्यंजन के पीछे, और इसको हम लिखते हैं ओ को इंग्लिश में ओ, ये वाला लेटर ओ लिखने के लिए हम यूज करेंगे ओ। अब है हमारा बड़ा ओ, और इसकी मात्रा होती है ये वाली, और इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में ए यू,
आर। अगर यही हमने अंबर लिखना हुआ तो हम लिखेंगे ए एम बी ई आर, अंबर। इस तरीके से अंगूर में भी जैसे इसका यूज किया हमने और अंबर में भी, परंतु इसको हम ए एन या ए एम इस तरीके से लिख सकते हैं। वो हमारे शब्द को बोलने के बावजूद हमें पता चलता है कि हम ए एन का यूज करेंगे या ए एम का। अब है हमारा ये, यानी कि व्यंजन के पीछे दो बिंदु, और इसको हम लिखते हैं सॉरी ए एच इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे इंग्लिश में लिखना है का, तो पहले हिंदी में लिखेंगे क आ का, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, के का मतलब के और आ का हमने क्या यूज किया था डबल ए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे डबल ए, तो हमारा ये क्या बन जाएगा का। उसके बाद ई, जैसे हमने लिखना है क ई की, इसको हम कैसे लिखेंगे के और ई की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं हम आई, तो के के बाद हम क्या लगा देंगे आई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा की। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा वाला लिखना है, जैसे हमने क ई की, इसके लिए क और बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं डबल ई, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे डबल ई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा की। उसके बाद जैसे उ, हमने लिखना है क उ कु, तो इसके लिए क और उ की मात्रा के लिए यू, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे यू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यू। इन सभी को हिंदी में हम बारह खड़ी भी बोलते हैं, जैसे का की इनमें सारी मात्राएं आ जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सी मात्रा की पहचान कैसे है, और हमें इनके लेटर भी पता चल रहे हैं इंग्लिश में कि इनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जैसे हमने लिखना है क, क को बड़े उ की मात्रा कु, तो इसके लिए क बड़े उ की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं हम डबल ओ, क डबल ओ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कु। उसके बाद री, जैसे हमने लिखना है क र कृत या फिर क्रम लिखना है हमने क र, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे क के आर आई क्री या के आर ए क्र, ये हमें शब्द को पहचानने के बाद पता चलता है कि हम आर आई का यूज करेंगे या आर ए का। उसके बाद जैसे हमारा है ए, जैसे क ए के लिखा के लिखना है हमने, तो हम लिखेंगे के और ए की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं ई के ई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा के ई के। जैसे हमने लिखना है क, क के ऊपर बड़े ए की मात्रा के, तो इसके लिए क और बड़े ए की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं ए आई, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे ए आई, तो हमारा ये क्या बन जाएगा के। उसके बाद है हमारा ओ की मात्रा, तो हमने जैसे लिखना है को, क ओ को, इसके लिए के का मतलब क्या, के की फोनिक साउंड क्या, और ओ की मात्रा के लिए क्या यूज करेंगे हम ओ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा को। इस तरह से हम मात्राओं को और बारह खड़ी को पहचानने के बाद इंग्लिश में बच्चे को लेटर बोलना वर्ड बोलना सिखा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने लिखना है क, क को बड़े ओ की मात्रा को, के लिए क और बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं ए यू, के ए यू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा को। उसके लिए जैसे हमने नेक्स्ट लिखना है क, इसके लिए क और ए एन क, नेक्स्ट जैसे हमने लिखना है क, क क के पीछे क व्यंजन के पीछे दो बिंदु, तो हम क्या यूज करेंगे के का क और दो बिंदुओं के लिए ए एन क, इस तरह से। इस तरह हमने हिंदी के सारे जो अक्षर थे उनको पहचाना, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन सी मात्राएं होती हैं इनकी, और इनको इंग्लिश में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश में हमारे टोटल लेटर कितने होते हैं 26, टोटल लेटर कितने होते हैं 26 लेटर्स, जिनमें से 5 लेटर होते हैं हमारे 5 लेटर्स वोवल यानी कि स्वर। वोवल कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये, और बाकी के जो 21 लेटर्स हैं 21 लेटर्स वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट,
यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स हिंदी में बोलते हैं इनको व्यंजन। अब हम देखेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स वैसे तो टोटल इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, परंतु ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर, कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। अब हम इनका तरीका जानेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ होता है? कैपिटल लेटर्स का यूज हमेशा अगर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं इंग्लिश में, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? कैपिटल। या फिर किसी भी सेंटेंस के बीच में किसी का नेम, किसी पर्टिकुलर प्लेस या कंट्री का नाम आ जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, फर्स्ट जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ गर्ल, तो मैंने ये इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा है और मैंने क्या बोला था कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई क्या लिखा है? कैपिटल। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे मेरा एम वाई माय एन ए एम ई नेम आई एस इज आर आई एन के यू रिंकू। अब इसमें देखिए मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। कोई भी इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल। और सेंटेंस के बीच में मैंने बताया था अगर किसी का नेम, पर्टिकुलर प्लेस या कंट्री आ जाए तो हम उसका भी फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल। अब इसमें देखिए ये मेरा नेम है और इसका फर्स्ट लेटर मैंने क्या लिखा है? कैपिटल आर, क्योंकि ये मेरा नाम है और किसी का नाम आ जाए तो भी हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। ये था हमारा कैपिटल लेटर का मेथड कि कैपिटल लेटर को कहाँ यूज किया जाता है, किस सेंटेंस में, किस तरीके से। अब हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स के बारे में। स्मॉल लेटर्स में जैसे ए को हम लिखते हैं हमेशा, देखिए इंग्लिश में 1 2 3 4 फोर लाइंस वाली नोटबुक में हम बच्चे को सिखाएंगे इंग्लिश के कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखना सिखाएंगे। अब हमने देखना है कैपिटल स्मॉल लेटर में अ को कैसे लिखा जाता है। ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में हम लिखते हैं ए, बी लिखते हैं हम ऊपर वाली तीन लाइनों में 1 2 3 और सी लिखते हैं हम ये बीच वाली दो लाइनों में, डी को भी लिखा जाता है सेम बी वाली लाइंस में 1 2 3 ऊपर वाली थ्री लाइंस में, ई को भी हम लिखते हैं सी के तरीके से बीच वाली दो लाइनों में। अब देखिए स्मॉल लेटर में एफ एक ऐसा लेटर है जिसको हम हमेशा इंग्लिश की नोटबुक की इंग्लिश की जितनी भी लाइंस होती हैं सारी लाइंस में राइट करते हैं एफ, इस तरीके से एफ लिखा जाता है हमेशा सारी लाइंस में। उसके बाद देखते हैं हम जी लिखा जाता है नीचे वाली थ्री लाइंस में, एच लिखा जाता है ऊपर वाली थ्री लाइंस में, आई लिखा जाता है बीच वाली टू लाइंस में, जे को लिखते हैं हम नीचे वाली थ्री लाइंस में, के को लिखते हैं ऊपर वाली थ्री लाइंस में, एल को भी लिखते हैं ऊपर वाली थ्री लाइंस में, एम लिखा जाता है बीच वाली टू लाइंस में जैसे हमने ए लिखा था, एन भी इसी तरीके से, ओ भी इसी तरीके से, टी लिखा जाता है जी के तरीके से यानी कि नीचे वाली थ्री लाइंस में, क्यू को भी लिखा जाता है नीचे वाली थ्री लाइंस में, आर को लिखेंगे हम ओ की तरह बीच वाली टू लाइंस में, एस को भी इसी तरीके से, टी ऊपर वाली थ्री लाइंस में, यू भी बीच वाली टू लाइंस में, वी डब्ल्यू एक्स इनको लिखा जाता है बीच वाली टू लाइंस में, वाई को लिखा जाता है नीचे वाली थ्री लाइंस में, और जेड को लिखा जाता है बीच वाली टू लाइंस में। 14 लेटर ऐसे होते हैं जिनको हम बीच वाली टू लाइंस में लिखते हैं, एफ को हम लिखते हैं सारी लाइंस में, और 5 लेटर और 6 लेटर ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे जी जे पी क्यू और वाई इनको हम लिखते हैं नीचे वाली थ्री लाइंस में, और बाकी के जो 6 लेटर्स हैं जैसे के एल इनको हम लिखते हैं ऊपर वाली थ्री लाइंस में। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, देखते हैं हम इनको राइट एक सेंटेंस की तरीके से कि इनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अ बुक शॉप इज फ्रंट ऑफ
माई हाउस। इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे इंग्लिश की लाइंस में लेटर्स को लिखना, कैपिटल को भी और स्मॉल को भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अ बुक शॉप इज फ्रंट ऑफ माई हाउस। लेटर इसका सेंटेंस का मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, कैपिटल, जो कि मैंने बताया था फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसके बाद देखिए बी, बी लिखा है मैंने ऊपर वाली थ्री लाइन्स में जैसे कि मैंने बताया था, डबल ओ बीच वाली टू लाइन्स में, के इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी ये सारे लेटर्स समझाए हैं ए टू जेड तक, उसी तरीके से मैंने ये सारे लेटर एक सेंटेंस की हेल्प से लिखे हैं ताकि हम बच्चे को बता सके कि हम किस तरीके से इनको जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे एफ लिखा है मैंने ये सारी लाइंस में, एच ऊपर वाली टू लाइंस में, जैसे इस तरीके से मैंने बताया था। इस तरह हम बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में करेक्ट मेथड बता सकते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी के अक्षरों को लिख सकते हैं, कितने होते हैं वो, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी मात्रा क्या होती है। और इंग्लिश में भी हम सबसे पहले हम बच्चे को लेटर्स के बारे में बताते हैं कि टोटल कितने लेटर होते हैं, उनमें से कितने वोवल, कितने कॉन्सोनेंट, सीधा हम बच्चे को कभी नहीं बताते क्योंकि बाद में उनको पता ही नहीं होता कि जैसे हमने यहाँ पर ए टू जेड तक सारे बच्चे को रिकॉग्नाइज करवा दिए, उसके बाद हम बच्चे से अगर पूछें कि इनमें से वोवल कौन सा है तो उसको पता ही नहीं होता। तो इसके साथ साथ बच्चे को ये बताना जरूरी है कि स्मॉल लेटर कौन से होते हैं, कैपिटल कौन से होते हैं, इनमें से हमारे वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।